जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, यदि भगवान आपके साथ हैं तो मिलते हैं यह 8 संकेत। दोस्तों, वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपजस जीवन के हिस्से हैं और यह सब जीवन में आते जाते ही रहते हैं, परंतु कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। और कुछ लोग तो यह भी सोचने लगते हैं भगवान हैं भी या नहीं। परंतु हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं 8 ऐसे संकेत जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। और इस तरह के संकेतों के मिलने का अर्थ है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत में इस बात का वर्णन मिलता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती है। महारानी कुंती कहती है कि जब जब मुझ पर विपत्ति आई तब तब आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस दिलवा दिए तो अब आप द्वारका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप हमें विपत्ति ही दे दीजिए ताकि आपका साथ हमें मिलता रहे। दोस्तों, इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह पांडवों से कहते हैं कि तुम पांचों ही भाई बहुत शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है जिसको यह वरदान प्राप्त है कि वह जिस घर में भी रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी, परंतु फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारे राज्य को छीन लिया गया और तुम लोगों को अन्याय से वन में भेज दिया गया, तुम सभी को जलाकर मारने की कोशिश की गई और भी अनेकों षड्यंत्र तुम लोगों के साथ किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने। ना जाने भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, परंतु कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह भक्त निराश हो जाते हैं। उन्हें इस बात पर शंका होने लगती है कि क्या उनकी भगवान को परवाह है। दोस्तों, इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। पहला संकेत, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे तो उस कार्य में आपको असफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, परंतु भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें असफलता जरूर मिलती है। चाहे आप बहुत मेहनत करें, अच्छाई के मार्ग पर चलें, फिर भी आपको असफलता ही मिलेगी। और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको असफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही तरीके से समझ नहीं लेते। दूसरा संकेत, दोस्तों, जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल ही अकेलापन महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगने लगेगा कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है और आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे। और अगर आपने किसी को बता भी दिया तो आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। सभी लोग कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या फिर वह लोग इस बात पर ध्यान नहीं देंगे या फिर इसे नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत, दोस्तों, भगवान की कृपा मिलने पर आपको दुख मिलेगा तथा आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा और क्या हो सकता है। उस समय आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े संतों के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। दोस्तों, जब आपके जीवन में
बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों को छोड़कर भगवान की तलाश में लग जाएगा। दोस्तों, ऐसी स्थिति में मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करने में सहायक होते हैं। दुख मनुष्य को यह एहसास कराएगा कि यह संसार दुखों का सागर है तथा भगवान को प्राप्त करने में ही मनुष्य के जीवन का सार है। चौथा संकेत, भगवान की कृपा प्राप्त होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और इस तरह के होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी। वह खोज ऐसी होगी जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी असफलता का कारण स्वयं ढूंढ लेंगे। इसके बाद आप स्वयं से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। अगर भगवान आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। पांचवा संकेत, दोस्तों, अगर भगवान आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं और अपनी कमियों को जानते हैं तो आप इसमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं तथा आप पहले से अधिक शांत व स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस योग्य बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें। छठवां संकेत, दोस्तों, आपका मन किसी भी हार और जीत से ऊपर उठ जाएगा और यह वो समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। उस समय आपके नज़रिए में जीवन को देखने में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी कार्य को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह होने पर आप बाहर हो रही चीज़ों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर मन में ही स्थिर रहेंगे। उस समय आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे सुख और दुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत, दोस्तों, सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में मग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिससे हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। सातवें संकेत में सभी सुख सुविधाएं एवं ऐश्वर्य अपने आप ही आपके पास आने लगते हैं, परंतु आपको उनमें आसक्त होने से बचना होता है। आपको वह सारी चीज़ें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य इत्यादि, वह सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीज़ों में आसक्त ना हों और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं, जिस तरह आप एक आम व्यक्ति से मिलते हैं और बात करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा सा भी शंका नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। दोस्तों, ये थे अनेकों शास्त्रों से लिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, परंतु इसका वर्णन इसी प्रकार मिलता है। भागवत में यह वर्णन मिलता है कि भगवान कहते हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने पर उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं।
जिससे वह तरह तरह के दुखों को पाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं जाते जाते कमेंट में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।